नमस्कार, इंदु आरियल तड़का रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मिथिला का स्ट्रीट फूड एक लेके आई हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला, बिना मलाई के मलाई बर्फ मैं बनाऊंगी आज यहाँ पे। जो लोग भी बिहार यूपी मिथिला से होंगे वो लोग ये मलाई बर्फ बचपन में ज़रूर खाए होंगे, आजकल भी मिलता है, लेकिन आजकल बहुत सारे तरीके से बन के मिलने लगा है, अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग तरीके का मलाई वगैरह डाल के। लेकिन ये बिना मलाई का मलाई बर्फ जो बचपन में हम लोग खाए थे वो यहाँ पे कैसे बनता है देखिए, बहुत ही आसान तरीके से। मैं यहाँ पे ये फ्रूटी ली हूँ और ये ग्लास ली हूँ, ये पेपर वाला ग्लास, आप कोई सा भी ले सकते हैं, और भी तरीके का ये ग्लास मिलता है जो वो ले सकते हैं, या फ्रेम भी मिलता है इसका जमाने के लिए आइसक्रीम, वो ले सकते हैं। और ये मेरे पास आइसक्रीम का स्टिक है, इधर नीचे आपको दिख रहा है, वो मैं लगाऊंगी इसमें, फॉइल पेपर ऐसे लगा के उसके ऊपर मैं इसमें ये लगाऊंगी। आपके पास यदि ये नहीं है तो आप चम्मच भी लगा सकते हैं, इसमें उल्टा साइड से चम्मच का डंटी इसमें फंसा दीजिए और आराम से इसको बना के देख सकते हैं, खा के बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। फ्रिज में डाल दीजिए, बस जम जाता है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। और इसमें स्क्वैश से भी बनता है, ये स्क्वैश वगैरह अलग अलग फ्लेवर में मिलता है, और गाँव में तो कई तरीके का फ्रूट भी मिलता है, उसका भी आप जूस निकाल करके उससे भी बना सकते हैं, ऐसे करके बच्चों को दे सकते हैं हेल्दी, खुद घर में बना के अच्छा साफ़ सुथरा, मार्केट का नहीं देखें, क्योंकि मार्केट में तो कई बार सफाई का इतना ध्यान नहीं रखते हैं, घर में हम सफाई से बना सकते हैं इसको, बच्चे ज़िद करते हैं तो उनको खिला सकते हैं, फ्रिज है तो आराम से। और बहुत ही आसान तरीका है ये बनाने का, बिल्कुल भी झंझट नहीं है, इस तरीके से आप जुगाड़ू तरीके से भी इसको बना सकते हैं बिना फ्रेम का। यदि मार्केट में फ्रेम मिलता है आप ला सकते हैं तब तो और भी अच्छा है, फ्रेम में और भी अच्छे तरीके से बन जाता है, बहुत सारे फ्लेवर में बनता है ये। मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रूटी का ये दिखा रही हूँ, अभी देखिएगा कितना अच्छा जम के ये तैयार हो जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये खाने में, सबको पसंद होगा ये, और बचपन में तो ज़्यादातर लोग इसको खाए ही होंगे। अभी तो कई तरीके का आइसक्रीम चल गया है, लेकिन इसका अपना ही मज़ा है, अपना ही फ्लेवर है, ये बहुत ही गोले जो है, बर्फ़ के गोले भी बोले जाते हैं इसको। ये देखिए यहाँ दिखा रही हूँ मैं अभी, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको खोल दूँगी, ये पेपर का है इसलिए इसको आराम से ऐसे है ना खोल के हटा दिए। यदि आपके पास दूसरा प्लास्टिक वगैरह वाला है वो खोलना मुश्किल है थोड़ा, तो उसको क्या करेंगे आप उल्टा साइड से थोड़ा सा नॉर्मल पानी आप इस पर डालेंगे तो बस खुल जाता है। यहाँ देखिए कितना अच्छे से ये जम के तैयार हुआ है, दिख रहा है ना, बहुत ही स्वादिष्ट आ गया ना मुँह में पानी। और बर्फ़ का ये गोला किस किस को पसंद है, बचपन में कौन कौन लोग ये जो है ना मलाई बर्फ़ के नाम से इसको खाए हैं खरीद के, आजकल भी खाते हैं लोग, आजकल भी मिलता है ये, थोड़ा अलग अलग शेप में मिलने लगा है। और यहाँ थोड़ा बड़ा साइज मेरा ग्लास था इसलिए बड़ा हो गया है, आप छोटा में भी बना सकते हैं, और कुछ पाउच वगैरह भी मिलता है तो वो ला के मैं आगे एक और दिखाऊंगी। यहाँ पे चुस्की बना के, इसको चुस्की के नाम से जाना जाता है, और बर्फ़ का गोला भी इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से बर्फ़ को कूट लेना है, जो आइस उसमें फ्रिज में जमाएंगे आप उसको इस तरह से कूट के, और इस तरीके से देखिए स्टिक इसमें ऐसे दबा लेना है अच्छे से, और यदि चम्मच में भी आप दबा सकते हैं, चम्मच में दबा के आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से कूट के, और उसके बाद इसमें जितना फ्लेवर है आपके पास वो फ्लेवर आप इसमें डाल के इसको खा सकते हैं। ये कई तरीके का कोल्ड ड्रिंक्स आता है आजकल, जूस आता है, और भी स्क्वैश वगैरह आता है, जो भी आप इसमें, या नींबू पानी का, जो भी आप चाहे इसमें इस तरीके से देखिएगा डीप करके थोड़ा सा इसमें डालना है और इसको चुस्की लेके देखना है, बहुत ही स्वादिष्ट इसमें जो है ना टेस्ट आता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ख़ास तौर से अभी जब गर्मी खूब भयंकर पड़ती है तब बच्चे बहुत ज़िद करते हैं ये सब चीज़ के लिए, तो आप घर में इसको आराम से बना करके उनको दे सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में तो ये मिलता ही है, खूब सारा बाहर घूमने जाइए कहीं भी तो आपको रास्ते रास्ते आजकल जब गर्मी अच्छी वाली पड़ेगी तब खूब दिखने लगेगा। तो अभी से आप इसको ज़रूर यहाँ देख लीजिए और बना के ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।